देखो ये सवाल है आपका। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7,500 टाइल्स लगती है, तो कमरे की चौड़ाई ज्ञात करना है। अब हमारा जो फर्श है वो आयताकार है, उसकी लंबाई 15 मीटर हमें दी है और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, और फर्श पर जो टाइल्स लगाई जा रही है उन टाइल्स की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है ना। विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई टाइल्स की, है ना। तो देखो एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स, एक टाइल्स, एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना दिया, 15 × 12 मतलब 15 × 30, 15 × 30 हासिल लगा 3, 15 × 3 = 18 वर्ग सेंटीमीटर। एक टाइल्स का इतना 180 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल, ऐसी कितनी टाइल्स है, 7,500। तो 7,500 टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल गुणित इतना वर्ग सेंटीमीटर। अब ये जो 7,500 टाइल्स लगी है नीचे फर्श में लगी, यानी कि ये फर्श का क्षेत्रफल हो गया। किसका क्षेत्रफल हो गया, ये फर्श का, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना, 180 × 7,500 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल, फर्श आयताकार है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई कितनी उसकी 15, और चौड़ाई हमें नहीं माना x, बराबर कितना 180 × 7,500, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 × 7,500 नीचे 15, सॉरी, देखो ये मीटर है, 15 क्या है, मीटर है ना, और ये सेंटीमीटर है, तो 15 मीटर यानी कि कितने सेंटीमीटर, 1500, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1500 में 1500 आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने 1500 लिखना है, 1500 लिखने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों इस मीटर को भी, तो इस मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 1500 आ गया भैया, ये 1500, ये 2 जीरो गई, 15 का बड़ा बोलो, 15 × 5 = 75, और ये हो गया 18 × 5, है ना, 18 × 5 = 90, कितना हो गया ये, 18 × 5 = 90, है ना, 18 × 5 = 90, 1500, है ना। तो ये हो गया आपका 18 × 5 = 90, और ये 1 जीरो की 1 जीरो, तो इतने सेंटीमीटर, ये सवाल आ गया आपका सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर, 15 × 5 = 75, 18 × 5 = 90, 900 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर बोले तो कितना मीटर, 9 मीटर, 9 मीटर, ठीक है।